नमस्कार, आप देख रहे हैं निशब्द। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। निशब्द जिसका अर्थ है चुप, मौन, और अंग्रेजी में इसे साइलेंट कहते हैं। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के हर दिन बढ़ते दाम। खामोश हैं ज़्यादातर वो लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं। कई साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस दिन मीडिया का मूड बदल गया और वो पुरानी बाइट्स दिखाने लग जाए, उस दिन सरकार को सोचना पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन पुरानी बाइट्स का, जिसमें पेट्रोल और डीजल को लेकर आज के सत्ता में बैठे हुए लोगों के क्या विचार थे। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर रहता था तो वो हैं आज के केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब। आज जावड़ेकर साहब तो खामोश हैं, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं होता था जब वो पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार के बारे में कभी अहंकार तो कभी निर्दयी तो कभी मनमाने फैसले की बात करते थे, ढेर सारे डाटा देते थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की मूल्यों को लेकर कितना दाम होना चाहिए उसके बारे में वो सरकारों को तो ज्ञान देते थे। आज वो खामोश हैं, लेकिन पुरानी उनकी बाइट्स बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया अगर पुरानी बाइट्स दिखाने लग जाए, आइए सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब हर साल क्या क्या कहते थे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है। और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। लोगों को कितना लूटोगे और एक क्षेत्र से कितना वसूलोगे? पेट्रोल के दाम इस साल में, आप पहले 8 महीने में 25% बढ़े हैं। 60 रुपए थे जनवरी में, आज 80 रुपए हो गए। तो ये 20 रुपए की बढ़ोतरी 8 महीने में, ये बहुत बेहद ज्यादा है, अन्याय है। और सरकार का ये तर्क कि दुनिया में बढ़ा है, ये गलत है। इंडियन बास्केट का दर देखे तो जनवरी का दर भी 100 और 110 के दरमियान था, आज भी वो इतना ही है। और ऐसा होने के बावजूद भी सरकार दाम बढ़ा रही है, ये जनता पर एक जिजिया टैक्स है। लोकतंत्र में जनतंत्र का ये सबसे बड़ा वर्डिक्ट है लोगों ने दिया हुआ। लोगों का कहना आज साफ हो गया कि सरकार तुम चूक रहे हो और आप तुरंत सुधरो, आप रोल बैक द प्राइसेस, जो कीमतें बढ़ाई है वो वापस लो। लेकिन सरकार ही जब लूट शुरू करती है तब उसे क्या कहे? पेट्रोल में 1 महीने में 5.5 रुपए की बढ़त करना 2 किस्तों में, ये लूट नहीं तो क्या है? उसे दिन दहाड़े डाका ही कह सकते हैं। आपातकाल, आगाह, सड़क से संसद,
परेशानी जैसे शब्द सैयद शहनवाज हुसैन हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते थे। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सैयद शहनवाज हुसैन काफ़ी तेज तर्रारी से सरकार पर आक्रमण करते थे। आज वो बिहार में मंत्री हैं लेकिन खामोश हैं। सैयद शहनवाज हुसैन क्या बोलते थे उनको भी सुनते हैं, क्योंकि मीडिया अगर पुरानी बाइट्स दिखाने लग जाए तो। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। उन्हें कैसे भूल सकते हैं जो महान विचार दुनिया के सामने रखते थे और कहते थे कि सरकार तो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम कर सकती है 30 से 35। ये वो वक्त था जब यूपीए सत्ता में थी और बीजेपी विरोध में। अब वही खामोश हैं। अब रामदेव कहते हैं कि पेट्रोल पंप उनके हवाले कर दिए जाएं ताकि वो डीजल पेट्रोल के दाम कम कर सके। मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अपने मुद्दों के लिए, अपने परेशानियों के लिए आपको मुखर होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में जो लोग आज बैठे हुए हैं वो विपक्ष में होते थे तो अपने स्वार्थ, अपने हित और अपनी पार्टी के लिए तो बड़े बड़े डींगे मारते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर खामोश हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।